गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा? फोर्थ की हम बात कर रहे थे, यस और नो? फोर्थ पढ़ा था? यस सर, डेरिवेशन ऑफ फोर्स। ओके, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते बेटा? रेट ऑफ, किसका रेट लेना है? चेंज, बोलो, ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज होगा एम वी माइनस एम यू, उसका रेट मीन्स अपॉन टी। इसी को हमने लिखा था एम वी माइनस यू अपॉन टी, मीन्स हमारा फॉर्मूला निकल क्या आएगा? एम ए, राइट। यहां तक हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में, राइट। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम बी माइनस यू, और हम जानते हैं बी माइनस यू अपॉन थ्री होता है एक्सेलरेशन। यहां तक की हम बात कर चुके थे। अब थोड़ा सा फील करो इसको ना, ये तो हमने मैथमेटिक्स फॉर्मूला निकाल लिया कि ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है? चलो देखते हैं। मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो हमें क्या पता लग रहा बेटा? फोर्स टाइम पर डिपेंड करता है, राइट, यस और नो? डिपेंड ऑन रिएक्शन टाइम, यस और नो? कितने टाइम के लिए रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करता है? अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो बेटा फोर्स क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। फोर्स क्या होगा? टाइम को अगर इंक्रीज करता हूं तो ऑटोमेटिक बेटा फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, डिक्रीज होगा कि नहीं? जब बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को, किसी फिक्स वैल्यू को, अगर लार्ज वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा? फोर्स का वैल्यू कम होगा। जैसे वही क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देखा ना सभी ने? देखो बेटा, समझना ध्यान से। जब हम क्रिकेट में बॉल कैच करते हो, राइट, बॉल कैच करते हो सभी, तो फर्स्ट केस, राइट, देखो बेटा, बॉल आ रही है, ठीक है, दो केस लेंगे जिसमें बॉल सेम स्पीड से आ रही है। यहां भी बॉल आ रही है, यहां भी बॉल आ रही है, राइट। अब देखो बेटा, बॉल हमारे पास में सेम स्पीड से आ रही है, लेकिन हमारे पास दो तरीके हैं कैच करने के। फर्स्ट मेथड, या तो उसको डायरेक्ट स्टॉप कर दो, बिना हाथ को पीछे किए स्टॉप कर दो, राइट। तो वहां भी बेटा कुछ मोमेंटम था बॉल का, फर्स्ट में इनिशियल मोमेंटम था कि नहीं? फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बॉल का? फाइनल मोमेंटम कौन बताएगा आपने से बेटा? बॉल आई और यहां पर आकर स्टॉप हो गई, तो बॉल का फाइनल मोमेंटम कितना है? बॉल अगर स्टॉप हो गई तो बेटा फाइनल मोमेंटम कितना होगा? जीरो, राइट। अरे बाबा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बॉल का? अगर ये बॉल आ रही थी आपके पास में, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, कुछ मास था, लेकिन जैसे आपके हाथों में आई बॉल, यहां पर क्या हो गया बेटा? ये रेस्ट पर आ गया कि नहीं? रेस्ट पर आ गया, मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। मीन्स अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो गया बेटा? जीरो, यस और नो? ऐसा होता है, राइट बेटा? रिप्लाई करो जल्दी से, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब हमारे पास में यहां पर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, बिल्कुल किया। चलो दूसरा केस, दूसरे केस में भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरे केस में भी नो डाउट वही सेम बॉल आ रही बेटा, सेम स्पीड से बॉल आ रही है ना, सेम स्पीड सेम मास की बॉल। लेकिन यहां पर हमें जब यहां करना था फोर्स अप्लाई, तो हमने उसको करते करते हम और पीछे ले गए अपने हैंड को, राइट, हैंड को हम और पीछे ले गए, राइट। और यहां तक करते करते हमने इसको जीरो मोमेंटम कर दिया। अच्छा, इसका इनिशियल मोमेंटम, दोनों का इनिशियल मोमेंटम दोनों केस में सेम रहेगा? सेम बॉल आ रही थी बेटा, सेम वेलोसिटी से आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और मास सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी और दोनों का मास सेम होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम सेम।
फाइनल मोमेंटम दोनों केस में बॉल रेस्ट पर आएगी, इस केस में भी बॉल रेस्ट पर आएगी, और जब आप पीछे हाथ लेकर के जाते हो उसमें भी बॉल क्या होती है बेटा, रेस्ट पर आती है, राइट। तो दोनों का फाइनल मोमेंटम सेम, मीन्स मैं बोल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में सेम होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों का फाइनल सेम, दोनों का इनिशियल सेम, मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स ऊपर वाली जो टर्म होगी वो दोनों केस में सेम है। लेकिन इन दोनों में हमने क्या चेंज किया, फर्स्ट केस में जो आपने फोर्स लगाया बेटा, राइट, वो कम टाइम के लिए लगाया, यस और नो, फोर्स कम टाइम के लिए। लेकिन सेकंड केस में आपने क्या किया, फोर्स का टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया, यस और नो, आपने फर्स्ट केस में यहीं पर स्टॉप कर दिया, आई स्टॉप। लेकिन सेकंड केस में फोर्स लगना शुरू हुआ, जैसे टच करेगी बेटा बॉल, फोर्स लगना शुरू होगा, अब उसको आप हैंड को पीछे लेके जा रहे हो, तो कौन बताएगा बेटा दोनों में से T1 टाइम ज्यादा लग रहा है या फिर T2 ज्यादा लग रहा है बेटा, T1 ज्यादा लग रहा है या T2? दोनों में से किसमें आपने ज्यादा टाइम लगाया बेटा, ऐसे करने में सेकंड केस में ज्यादा टाइम लगाया या फिर फर्स्ट केस में, बोलो बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की, बेटा रिप्लाई करो ना तभी तो मजा आएंगे, या फिर फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैच कैसे करते हो एक बात बताओ मुझे, कैच कैसे करते हो आप बोल को, ऐसे करते हो फर्स्ट केस या फिर इसका टाइम पीरियड इंक्रीज करते हो, कैसे कैच करते हो? ये सर टाइम पीरियड इंक्रीज करते हैं। हेलो बेटा रिप्लाई करो जल्दी से, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है कुछ बेटा, आवाज आ रही है अच्छे से? T2 ओके, विकास का रिप्लाई टू टाइम वेरी गुड, राइट। तो T2 में टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट, तुम्हें पता है कि अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, मीन्स फर्स्ट केस में आपका फोर्स ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड केस, तभी यहां पर बेटा आपको ज्यादा फील होता है ना, अगर आप ऐसे स्केच करोगे तो आपको चोट ज्यादा लगेगी, ये सुनो, मीन्स वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, आप अगर ऐसे केस करते हो तो वहां पर आपको चोट ज्यादा लगती है, इसी वजह से आप क्या करते हो हैंड को पीछे लेकर के आते हो जिससे कि आपका फोर्स कम फील हो, तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगता है और यहां पर फोर्स कम लगता है, दोनों में मोमेंटम तो सेम था, दोनों में मोमेंटम सेम था, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया उसका टाइम पीरियड, मीन जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ये सुनो, जितना कम टाइम पीरियड बेटा आप लगाओगे उतना ही फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ये सुनो, इतना समझ में आता है? जैसे जैसे बेटा टाइम पीरियड कम करते हो वहां पर क्या होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। चलो और बात करते हैं, आपके पास दो चीजें है ना, एक ट्रक है, यहां से ट्रक आ रहा है बड़ा सा, कैसे चलो इसका वेलोसिटी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड ही है, और यहां पर आपको इसको स्टॉप करना है ना, आप इसको स्टॉप करने के लिए खड़े हो, राइट, स्टॉप कर दोगे तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर एक आपके पास साइकिल है, बाइसिकल है, राइट, फिर से बनाएंगे जो भी, इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड है बेटा वेलोसिटी, इसको भी आप स्टॉप करोगे, बाइसिकल को भी आप स्टॉप करोगे, ठीक है, दोनों को स्टॉप करना है, अब ध्यान दो बेटा, सेम टाइम में आपको स्टॉप करना है ना, मान लो टी टाइम में आपने इसको, फोर्थ लगने के टी टाइम में आपने इसको स्टॉप करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर टाइम पीरियड सेम है लेकिन आपको बाइसिकल को स्टॉप करने में और ट्रक को स्टॉप करने में किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, किसको आप स्टॉप कर सकते हो, ट्रक को या फिर बाइसिकल को? बाइसिकल को आप अच्छे से स्टॉप कर सकते हो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यस और नो? इमेजिन करो अगर ट्रक सामने होगा तो शायद आप स्टॉप ही ना कर पाओ, यस और नो? लेकिन देखो बेटा दोनों में वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, दोनों का फाइनल मोमेंटम बताओ बेटा, दोनों स्टॉप हो रहे तो फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम, दोनों का फाइनल मोमेंटम बताओ ना बेटा, यहां भी ट्रक लास्ट मोमेंटम फाइनल 0,
यहाँ भी ट्रक और बाइसिकल भी स्टॉप हो जाएगा बेटा तो जीरो, राइट। ये समझ में आता है, टाइम पीरियड मैंने सेम रखा वो भी समझ में आता है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का बताया आपको? मास, मास का डिफरेंस है, वेरी गुड। इसका मास ज्यादा है, इसका मास बेटा कम है, तो इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो था, इनिशियल मोमेंटम किसका ज्यादा है? अगर मैं बात करूं पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम ट्रक का ना, ये सर ट्रक का ज्यादा आएगा, ज्यादा होगा पी बाइसिकल से, राइट। ये सुनो, फाइनल दोनों का जीरो है, बोलो बेटा, फाइनल तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा ना, फाइनल जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो है तो टाइम भी सेम है, टाइम भी दोनों केस में क्या बेटा सेम है, तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है? चेंज इन मोमेंटम का डिफरेंस है, मीन्स फाइनल मीन्स दोनों का सेम जीरो जीरो, फाइनल दोनों का सेम है जीरो जीरो, राइट। लेकिन इसका मोमेंटम ज्यादा है इनिशियल, इसका मोमेंटम कम है, जीरो माइनस बड़ी वैल्यू, जीरो माइनस छोटी वैल्यू, कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम किसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा होगा या फिर इसमें ज्यादा होगा? चेंज इन मोमेंटम, सोचो किसमें चेंज ज्यादा हुआ, जिसका मोमेंटम ट्रक में, सिंपल सी बात, ये बड़ा मोमेंटम था, बड़े मोमेंटम को आप जीरो तक लेकर के आ रहे हो, एक छोटे मोमेंटम तक को जीरो से लेकर आ रहे हो, तो किसमें चेंज ज्यादा हुआ, ज्यादा वाले में या सोनो? तो समझो इस बात को बेटा, अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स भी क्या लगेगा बेटा? ज्यादा लगेगा, इसमें फोर्स ज्यादा लगता है ना, यस और नो? ट्रक में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और आपको बाइसिकल में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या था? चेंज इन मोमेंटम का, वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं था, आपने स्टॉप किया उसका टाइम में भी चेंज नहीं था, लेकिन क्या चेंज आ गया? इनिशियल मोमेंटम। तो आपको समझ में आता है मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है दोनों के, देखो टाइम में भी चेंज नहीं किया हमने, सेम टाइम के लिए उसको स्टॉप करना है सेम टाइम में, लेकिन मोमेंटम मीन्स मास पर भी डिपेंड करता है कि नहीं फोर्स, सिर्फ मास चेंज था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, फाइनल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं, लेकिन दोनों का मास चेंज है, मीन्स हमें कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ना जिसका नाम है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यस और नो? तो समझना आता है मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों मोमेंटम को पढ़ते हैं, पूछा था ना आपने मोमेंटम कहाँ इंपॉर्टेंट है सर? तो देखो बेटा, मोमेंटम जो चेंज हुआ उसी के बेसिस पे फोर्स लगा, नहीं तो टाइम भी सेम है वेलोसिटी भी सेम है, तो मेन मोमेंटम पे डिपेंड करता है बेटा फोर्स, कि आपने मोमेंटम में चेंज कितना किया है, अगर चेंज है ना, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और टाइम पीरियड को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना है दोनों चीजें, ये समझ में आती है कि नहीं पूरी कहानी बेटा? फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो यस सर, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास चलिए बेटा बुक ओपन करो, उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बेस पर, बुक ओपन करो। कुछ क्वेश्चन दे रखा होंगे ना इसमें। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स रॉबर्ट बॉल वाला हो गया, लीव्स ये आप कर लोगे, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पोटे क्वेश्चन, एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव बेटा रीड करो एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर 128, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है बेटा इसको सोल्व अभी बैठ करके। ट्रक गिवन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेगा, फिर मास गिवन है तो वहां से आप फोर्स फाइंड करोगे,
तो इसमें दोनों चैप्टर आ गए बेटा, चैप्टर एट भी आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव में चैप्टर एट भी आ गया। पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और जब एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे तो वहां से आपको फोर्स फाइंड करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, इतने में मैं और क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ कौन कौन से हम कर सकते हैं। सर 5 मिनट दो। हाँ 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, आराम से करो, फिर मैं यहाँ पर आपके होमवर्क भी लिख देता हूँ साथ साथ में, आपको कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे। यहाँ पर मैं होमवर्क नोट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा आपका। ब्लू प्रिंट क्वेश्चन पेज नंबर 108 पर, 118 पर आप लिख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर कम देना थोड़ा। हाँ बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जिसका रिप्लाई फर्स्ट हमने कर लिया, लेकिन एक्सप्लेन सम लीव्स थर्ड वाई फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वही क्वेश्चन दूंगा जो बेटा आपके फर्स्ट पे डिपेंड है ना, न्यूटन लॉ फर्स्ट पे डिपेंड वाले क्वेश्चन हम करेंगे सारे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा ना, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें बेटा, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1 अभी मत करो, उससे पहले आप कर लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट नंबर के लिए बोलते हैं राउंड टेस्ट 4, चलो हम भी ट्राई कर ही लेगा। सर ये रबड़ बोल वाला हो गया है तो वो नहीं कर रहे ना? नहीं बेटा, हाँ रबड़ बोल वाला हो गया, 119 पेज नंबर पे इंटेक्स क्वेश्चन है ना उसका। हाँ बेटा वो नहीं करना। ओके ओके सर, बाकी बेटा जितने मैंने क्वेश्चन दिए सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब वही बताएगा इनर्सिया इनर्सिया इनर्सिया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं एक बार इनको कंप्लीट कर लेना, फिर हम और बात करें। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई भी आप चलते चलते दे सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। बाकी हमारा चैप्टर लगभग 60% कंप्लीट हो गया बेटा, दो दिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इसमें क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में न्यूटन थर्ड लो लास्ट एक क्लास लेंगे, और उसके बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन की सेकंड क्लास, जिसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो सकता है इसी वीक में आपका बेटा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। सर स्पीड लिमिट में रखना, सर स्पीड थोड़ी कम मीडियम रखना बेटा, स्पीड लिमिट में, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले तो मुझे, आप सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है कभी कभी। क्या होता बेटा? स्पीड कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है तो बता दिया करो उस टाइम पर और क्या। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट राइट। ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड 5 एक्सेलरेशन, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्या दे रखा है? इनिशियल, बोलो बेटा इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी यू कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? इनिशियल जीरो, जीरो है ना, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है पता लगा जीरो, ओके। फिर देखा बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि नहीं बेटा? डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एस कितना गिवन बेटा? डिस्प्लेसमेंट बताओ, टाइम बताओ, टाइम कितना गिवन है? डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है बेटा? 400 मीटर, 400 टाइम 20 सेकंड, 400 मीटर, वेरी गुड। टाइम कितना बेटा? 20 सेकंड, ओके। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं,
ये सब कुछ गिवन है। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, मेरे पास तीन इक्वेशन थी। अगर मुझे बेटा एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, कहां से मिल सकता है एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तीन इक्वेशन बेटा, किसमें मैं एक्सेलेरेशन, एस, इनिशियल वेलोसिटी, सब दिखता है। ऐसे सोचो कि एस एस यू टी और ए जहां दिखाई दे, तो मुझे एक क्वेश्चन ऐसी लगती है जहां पर ये सब दिखाई दे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो? देखो बेटा, राइट, चलो इसकी बात करें। एस क्या बेटा, 400 मीटर, 400 मीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम 20 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन बताना, निकालना है, वही तो निकालना है, टाइम 20 स्क्वायर। ओके, मीन्स 400 इक्वल टू जीरो, राइट, ये आएगा जीरो, फिर आएगा बेटा 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन इंटू 20, कितना हो जाएगा बेटा, 400 होगा कि नहीं बोलो? एक्सेलेरेशन कितना निकल के आ रहा है बेटा, एक्सेलेरेशन कितना निकल के आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। यहां तक नोट करो, क्या फर्स्ट पार्ट एक्सेलेरेशन फाइंड करना था, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसने बेटा मास दे रखा है 7 टन, होमवर्क नोट कर लेना बेटा सभी, मैं एकदम सारे क्वेश्चन सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है, उस तक क्वेश्चन एक आपको वन अच्छा लगेगा, वैसे कुछ क्या नहीं है, 2-3 क्वेश्चन सारे सेम है। फिर देखो बेटा क्या गिवन और स्वीट, मास गिवन, राइट, सेकंड पार्ट में फोर्स फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है। मास गिवन है बेटा, मास कितना है, 7 टन से, ये सुनो, और उसने दे भी रखा बेटा, तो कि 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होता है, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 7000 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन अभी आपने पता किया, एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकाल लो फोर्स कितना जाएगा बेटा, फोर्स कितना जाएगा इसमें, फोर्स कितना आ गया, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है सर, दो फॉर्मूला पढ़े थे हमने, एक ये वाला, एक लास्ट वाला, यहाँ पर लास्ट वाले से काम चल जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास कितना बेटा, 7000 kg, और एक्सेलेरेशन कितना बेटा, एक्सेलेरेशन सर हमारे पास आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया 14,123,000, और ये लिखा बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लिख सकते हो न्यूटन, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 14, और इस 3 0 होती है समझ के तहत किलो, क्या बोलते हो उसको, किलो, तो 14 किलो न्यूटन, किलो का मीनिंग क्या होता है बेटा, 10^3, किलो का अपने आपने मीनिंग किया बेटा 10^3। चलो उसके बाद आपको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया ना, चलो स्टोन थ्रो वेलोसिटी ये फ्रोजन सरफेस लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन स्टोन एंड राइस। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन वही बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो करो वापस से, 5 मिनट आप लोगों के पास में, 5 मिनट तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अभी ये करना है ना 6 तो में, हाँ बेटा 6 करो, 5 हो गया ना, 6 ट्राई करो ना, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है बेटा, क्या जीवन है, कैसे निकालेंगे, फोर्स पता करना है, कुछ दे रखा है कि नहीं, डिस्टेंस दे रखा है, मास दे रखा है स्टोन का पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी बोला उसने, रेस्ट पर आ गया, डिस्टेंस पता है, पहले एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर मास पता है, तो वहां से इसका आंसर मिल जाएगा।
उससे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आज 10 तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे। सर आपको कैसे पढ़ाने में मजा आता, ऑनलाइन या ऑफलाइन? टेस्ट में आया बेटा, ऑफलाइन आना है क्या? सर हमारा भी मन होता है ऑफलाइन आने का, आपका क्या, कैसे मजा आपको, किसमें मजा? ठीक है जिसमें आप लोगों को मजा हो, हमें ऑफलाइन में ही आता है। आपका भी बहुत जल्दी हो जाएगा, देखता हूँ हो सकता है 1 अगस्त हो जाए। करे स्टार्ट हुआ बेटा, अभी टाइम चाहिए और हुआ समझना अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से। सर और 5 मिनट दो। अच्छा सर 3 मिनट दे दो बस। का ध्यान रखो क्योंकि बेटा आपको सिर्फ 9th क्लास में नहीं करना है, आगे जाकर कुछ अचीव करना है कि नहीं, IIT बनना है कि नहीं, अगर IIT बनना है तो अभी से स्पीड अच्छी रखो राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, ये फॉर्मूला पूरा आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन प्लस ये फॉर्मूला।
चलो गिवन तो लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। आप करते रहो सोल्व, जिसका नहीं हुआ सोल्व करते रहो, मैं सिर्फ गिवन लिख रहा हूँ कि इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है। राइट, अगर हम बात करें तो एक लेख दे रखा है, लेख है किसका, उस पर आपने क्या थ्रो किया बेटा, एक स्टोन थ्रो किया है ना, लेख पर आपने स्टोन थ्रो किया, उसका मास कितना बेटा 1 kg का, और उसका वेलोसिटी कितना था, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था 1 kg का बेटा, बोलो 1 kg का स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी बताओ बेटा फिर उसका कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ जब सरफेस है यहाँ पर, राइट, अगर सरफेस है और रफ सरफेस तो होगी, यस और नो, जब रफ सरफेस होगी तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा कि नहीं, बोल बेटा, इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यस और नो, और इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर, यस सर। आगे आप देखोगे न्यूटन थर्ड लॉ में, जहां पर आप देखो बेटा दोनों के ऊपर लगता है, स्टोन के ऊपर भी लग गया और लेफ के ऊपर भी लग गया, और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में, लेकिन अभी हम सिर्फ वैल्यू निकालते हैं। इस पर बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ये इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, मीन्स जीरो हो जाएगा, वही 1 kg का है स्टोन, यस और नो, और फ्रिक्शन इस पर लग रहा था। ये समझ में आता है कि नहीं, क्वेश्चन किस तरीके से है बेटा, बोलो। और यहां से बेटा यहां तक है ना, जैसे डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। उसने बोला बेटा कितना वो ट्रेवल कर चुका है, 50 मीटर, राइट, यहां से यहां तक वो कितना ट्रेवल कर चुका है बेटा, 50 मीटर। जब भी आप स्टोन थ्रो करोगे तो सिंपल सा है ना, वहां पर फ्रिक्शन लगेगा तो कुछ टाइम बाद स्टॉप होगा, अब जब उसको टच कर रहा है और स्टॉप हो रहा है, उसके बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं, यहां तक समझ में आता बेटा, यस और नो, बोलो। तो कैसे गिवन है इसमें, लिख लेते हैं एक साथ, इनिशियल बोलते चलो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितना गिवन है, हेलो, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। फाइनल बताओ बेटा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, अरे बेटा वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट, यस सर, जीरो जीरो जीरो, रेस्ट चलेगा, जीरो मीटर पर सेकेंड, लेकिन कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका हुआ इसके बीच में, वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, 50 मीटर। अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो मेरे पास में मास है कि नहीं है, मास तो हमारे पास में है, मास है, मास भी गिवन है, यस सर, मास ऑफ स्टोन हमें गिवन है, मास ऑफ स्टोन एम हमें गिवन है 1 kg। अगर मुझे बेटा फोर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, और एक्सेलेरेशन कहीं से पता करने का फोर्स नहीं, राइट, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां से एक्सेलेरेशन फाइंड करो, मास पता है, एक्सेलेरेशन पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, चलो एक्सेलेरेशन फाइंड करो बेटा, कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें यू भी आए, वी भी आए, एफ भी आ जाए, वी भी आए, सर फाइनल आंसर इज -4 degree, -4 newton। ओके ओके, मैच करेंगे बेटा, चलो इस तरह से बताओ पहले कौन सा इक्वेशन लगाओ जिसमें यू भी आता है, वी भी आता है, एफ भी आता है, सर वी स्क्वायर इज इक्वल ना, सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट, चलो वी स्क्वायर कितना है, जीरो, इनिशियल कितना दे रखा बेटा, इनिशियल कितना था, 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एफ 50। चलो इसको मैं इधर फेंक रहा हूँ तो कितना जाएगा बेटा, 20 स्क्वायर मतलब 400, तो -400 इंटू 2 इंटू 50 मीन्स 100। इसका मतलब क्या हो गया आंसर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये पहले आपको पता होना चाहिए था कि सर माइनस में आएगा, ये तो श्योर होना चाहिए ना माइनस में आएगा, क्योंकि बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो, तो उसके अपोजिट ही आंसर आएगा। सोचो ना वेलोसिटी बेटा कितना था, 20 था, फिर कितना हो गया, जीरो, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यस और नो,
तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, माइनस में ही आना है। चलो एक्सेलेरेशन पता लगा, मास पता लगा, तो क्या निकाल लेंगे बेटा, फोर्स। यहां पर हम निकाल लेते हैं इसका फोर्स, कितना फोर्स आ जाएगा बेटा, फोर्स बताओ कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है, 1 kg, माइनस 4 meters per second square, kg meter per second square पर मैं लिख सकता हूँ बेटा माइनस 4 newton। ठीक है, मैं इसके लिए बेटा कहाँ मिस्टेक की थी देख लो सभी, और यहाँ पर लिख लेना माइनस साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, लिख लो इसमें बेटा, स्पेस नहीं है लिख लो खुद से, माइनस साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमारे पास देखो बेटा मोशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बाद इज अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स मोशन इधर है तो फोर्स अपोजिट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में चलो हमने 6 क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया, अच्छा है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब सबसे इजी क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जब एक बार में आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार में आंसर दे दोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 5। हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 5 मिनट का है ही नहीं, वो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज मास, what must be the force between vehicles and road if vehicles is to be stopped with negative acceleration, sab kuch to de rakha hai, mass de rakha hai, acceleration de rakha hai, 2 minute mein answer, 2 minute bhi zyada bol diya maine, theek hai, jaldi se nikal lo, uska answer mein kuch hai nahi। जिसका आ गया वो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना एक बार, होमवर्क का क्वेश्चन है लेकिन पढ़कर ही आंसर कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा आंसर सही होगा बेटा, बस फॉर्मूला बताना है मोमेंटम का, व्हाट इज द मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट। जिसका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, पहले डायग्राम बनाओ, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद 1 से 4 तक आपको करना है, 6 7 6 हो गया, 8 पे क्वेश्चन हो जाएंगे, 9 आपको करना है, उसके बाद में हम वापस से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अब तक तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, जल्दी से बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्या गिवन है, मास गिवन है कि नहीं, मास गिवन है बेटा,
कितना किलो है दिमाग? 1500 kg. वेरी गुड. एक्सेलेरेशन भी गिवन है. एक्सेलेरेशन गिवन है 1.7 मीटर पर. उससे पहले थोड़ा कुछ और भी दे रखा है, प्लस साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ है? माइनस साइन के साथ. दोनों का वैल्यू भी सेम है, उसका यूनिट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. यूनिट केजी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस साइन. आपको पता ही होगा ना, जब भी बेटा कोई व्हीकल्स होता है ना, उसके टायर जो होते हैं उसके बीच में और सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? टायर के बीच में और सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स. आपको पता ही होना चाहिए कि जब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स सर हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. वन मिनट का. फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है. इधर मोशन अगर व्हीकल हमारा कर रहा है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए पहले से पता होना चाहिए. अगर वो नहीं भी बोलता आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव. ये सुनो, एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से आता है. फोर्स का डायरेक्शन ही तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है. और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन का फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है. किसके अपोजिट है? मोशन के. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट में होकर चलेगा. तो मुझे पता है कि फोर्स होता है ए माइनस एम माइनस ए. 5 kg, सॉरी 1500 kg माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना. कितना आ रहा है? माइनस 2500. ठीक है, आप इसे बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन के साथ में. फिर वापस से वही लिखना बेटा, जो माइनस साइन और क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी जो लिखा है तो वही माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो अपोजिट है. किसके अपोजिट है हमारा फोर्स? किसके अपोजिट है? मोशन डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है. कितना ईजी था? सब कुछ तो गिवन था, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम पास करवा रहा था ना. चलो क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 7, अब लास्ट क्वेश्चन होगा 7. ट्राई करो और जाते जाते मैं इसको बता के जाऊंगा. राइट, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो. पहले सोचो कैसा बनेगा, रफ में बनाओ क्या दे रखा है. ट्रेन है जिसका इंजन दे रखा है और ट्रेन में 5 वैगन है, 5 डिब्बे लगे हुए हैं प्लस 1 इंजन है. 5 डिब्बे का भी सभी का वेट दे रखा है कि इतने इतने वेट के हमारे पास में डिब्बे हैं, और इंजन का वेट भी दे रखा है बेटा इतना है. तो टोटल वेट मुझे पता लग जाएगा. फिर उसने कहा कि इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स भी उसका दे रखा है ना. इफ द इंजन लेफ्ट अ फोर्स, टोटल फोर्स कितना इंजन लगा रहा है वो भी दे रखा है. फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो भी दे रखा है. तो नेट फोर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बड़ा इजी क्वेश्चन है. सेवन नेट फोर्स तो ऐसे बोल दो जल्दी से, नेट फोर्स तो पढ़ते पढ़ते बोल दोगे. इसमें नेट फोर्स दिखाते बेटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, आगे की तरफ इंजन लगा रहा है. 40,000 के बेटा इंजन लगा रहा है कि नहीं? 40,000 इंजन लगा रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है. 35,000 न्यूटन, ऐसे बोल दो सीधे ही. चलो करो बेटा ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. देख लिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 वैगन दे रखे हैं. वन टू थ्री फोर फाइव और एक थोड़ा सारा इंजन दे रखा है ना.
ये हमारा इंजन है और ये रही हमारी ट्रेन। ठीक है बेटा, चलो इंजन का मास बता दो एक बार, कितना दे रखा है इंजन का मास? 8000 kg। अगर ट्रेन का इंजन लगाए वो कितने का है बेटा? 8000 kg का दे रखा है। अच्छा, वैगन है 5, 1, 2, 3, 4, 5। वैगन में जो डिब्बे जो होते हैं कितने का दे रखा है? डिब्बा 2000 का है ना, एक डिब्बा है 2000 का, दूसरा भी है 2000 kg का। एक बार देख कर बता, 2000 ही ना, 2000 kg। अच्छा, मैंने कितने डिब्बे लगा रखे उस ट्रेन में, कितने वेगन है बेटा? 5। और उसने भी रखा कि ट्रेन जो है ना इसका टोटल सारे अगर हम बात करें, एक फोर्स टोटल पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और एक फोर्स ये इंजन लगा रहा है आगे की तरफ, है ना। एक फोर्स बेटा इंजन लगा रहा है आगे, और एक फोर्स लगा रहा है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा सरफेस पे चल रही है, और सरफेस कैसी है? कुछ ना कुछ तो वहां पर क्या होगा बेटा, रफ सरफेस होगी ना, तो उनके टायर के बीच में और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होता है? जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ट्रेन कितना फोर्स लगा रही है? ट्रेन लगा रही है 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? इसको मैं एफ और स्मॉल आर से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए फ्रिक्शन फोर्स 500 न्यूटन। अच्छा, ट्रेन का टोटल मास लिख ले क्या यहीं पर, कितना हो जाएगा बेटा? 5 तो मेरे पास में वेगन थे, और 5 वेगन का एक वेगन का मास है 2000 kg, तो 5 का कितना हो गया? 10,000। तो कितना हो गया बेटा? 10,000 प्लस इसमें एक इंजन भी जुड़ा हुआ है 8,000 का ना, तो हमारे पास हो गया टोटल मास। उसका जो मास लिखूंगा मैं जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कितना लिखूंगा बेटा? 18,000 राइट। आप चाहे तो डायग्राम की फॉर्म में बना लेना, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी ने सोल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, नेट फोर्स फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? नेट फोर्स फाइंड करना है भैया, नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो टोटल नेट कितना फोर्स बच रहा है पूछ रहा है आपसे, तो एफ नेट कितना बचेगा? एफ नेट बचेगा एफ माइनस एफ आर। योर स्क्रीन इज ब्लर। ओके बेटा, 1 मिनट। फोर्टी थाउजेंड न्यूटन माइनस फाइव थाउजेंड मीन्स 35,000 न्यूटन फोर्स। ये सुन, अब सेकंड निकालो भैया, फोर्स टोटल नेट फोर्स पता है, टोटल नेट फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकालने में कितना टाइम लगेगा? टोटल नेट फोर्स पता लग गया राइट। ध्यान रखना बेटा, जो हम फॉर्मूला लिखते ना यहाँ पर F=ma, ये किसका फॉर्मूला है? F जो होता है बेटा वो नेट फोर्स ही होता है, ध्यान रखना नेट फोर्स। ठीक है, जो F होता है ना यहाँ पर वो नेट फोर्स ही होता है। के बाद में हम पढ़ेंगे न्यूटन टोटल ऑफ मोशन। कल कुछ एग्जांपल भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक दिन और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा, उसके बाद में पढ़ेंगे ना आगे का। फिर हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, 2-3 चलो हो जाएगा इस वीक में। हाँ, जो भी आता बेटा डिवाइड करके देख लेना। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन कितना जाएगा बेटा? सेकेंड इसका क्वेश्चन एफ इक्वल टू बेटा बोलो एम ए होता है कि नहीं? यस सर, 35,000 इक्वल। एक्सेलरेशन फाइंड करना था बेटा, टोटल नेट फोर्स अपॉन आंसर इज 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, जो भी आपका आंसर आए, आप लोग थोड़ा ना गलत आंसर बताओ,
डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर ही आप लोग ही आंसर लिखोगे 35 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 1.9 समथिंग आ रहा होगा ना 36 होता तो ट्रू आता मीन्स 1.9 कितना आ रहा बेटा 1.9 1.9 डबल 4 1.9 4 अच्छा ध्यान रखना बेटा एक्सेलेरेशन है तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है यूनिट को मेंशन करना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिर बोल रहा हूँ बेटा अगर आप यूनिट नहीं लिख का तो पूरा क्वेश्चन मैं गलत कर दूंगा तो यूनिट का ध्यान रखना टाइम हो गया आप तो न्यूटन सेकंड लो बेटा समझ में आया अच्छे सभी को न्यूटन सेकंड लो यस और नो यस सर आ गए चलो ना इसके कुछ कल कुछ वर्ष हम प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम्पल चलो ओके बाय एवरीवन ओके सर थैंक यू सर अटेंडेंस थैंक यू सर यस सर अटेंडेंस